हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल GR26। मेरे चैनल GR26 में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाट्स इन माय पेंसिल केस का फोर्थ पार्ट। थ्री पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं पहले ही और उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ये है फोर्थ पार्ट। तो इस पेंसिल केस में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने से पहले ये बता दूँ कि ये पेंसिल केस मेरा स्कूल के लिए रखने वाला पेंसिल केस है और ये कोई पेंसिल बॉक्स नहीं, एक कंटेनर है, स्टोरेज बॉक्स है जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे स्कूल में ज़रूरत पड़ती है और इसको मैं स्कूल में रख देती हूँ। जब जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो 4-5 दिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको वहाँ ले गई, काम किया, उसके बाद में फिर नहीं ज़रूरत है तो वापस घर पे रख देती हूँ या वहीं कहीं जो भी स्टोरेज के लिए मुझे मिला हुआ है उसमें रख देती हूँ। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक नॉर्मल सा ऑर्गेनाइज़र कंटेनर है और ₹70 का मैंने इसको ख़रीदा था और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, डबल हैं, क्योंकि जब मुझे किसी प्रोजेक्ट पे वहाँ या कोई TLM बना रही होती हूँ तो बच्चे भी हेल्प करते हैं तो कोई भी चीज़ है दो दो तीन तीन रहनी चाहिए ताकि बच्चे भी कंटिन्यूली साथ में काम करते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्केच पेंस हैं, ये छोटे वाले हैं डोम्स के, क्योंकि बच्चे यूज़ करते हैं तो बच्चे जो है खुला भी छोड़ दें या ज़्यादा यूज़ कर लें तो उससे ये ना हो कि बड़े वाले हैं, ये है यूज़ किया अगर ख़राब भी हो गया तो डिस्कार्ड कर दिया तो उसके लिए बेटर रहता है। और इसकी कॉस्ट ₹15 है, पहले ये 10 के आते थे अब ये 15 के हैं। नेक्स्ट है ये हाइलाइटर जो कि क्रेयॉन हाइलाइटर हैं फैबर कैस्टल के। तो इसका पूरा ये सेट तो नहीं है बट मैंने अलग अलग ख़रीदे हैं और इसका अलग से वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है और हो सकेगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये 2-3 बार में ख़रीदे गए हैं और ये 8 हो चुके हैं। इसमें पेस्टल और फ्लोरोसेंट दोनों तरह के हाइलाइटर्स हैं और ये मैंने एक जिप लॉक पाउच में रखे हुए जो कि बोर्ड मार्कर का पाउच है, इसका पाउच नहीं है। और ये जो है इस तरह से ओपन होते हैं, ये मैं दिखा दूँ, ये इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से ओपन होते हैं, इस तरह से ये रोटेट करके होते हैं और ये घिस जाते हैं, मतलब इसमें इंक रिफिल नहीं होती है, ये घिस जाते हैं, इसकी जो क्रॉन स्टिक है वो घिसती रहती है। तो ये है। इसके बाद में ये ग्लू है जिसमें थोड़ा सा ही ग्लू बचा हुआ है, तो ये फेवी गम है, लाइम फ्रेग्रेंस। तो ये है, तो बच्चों के लिए जब हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ तो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही हमें यूज़ करने होते हैं स्कूल में, तो इसलिए ये वाला। उसके बाद में ये स्टिकी नोट्स हैं, ये इसमें ऐसे ही बहुत दिन से पड़े हुए, इनको मैंने यूज़ ही नहीं किया, ये इतने अच्छे लगते हैं कि मैं इनको यूज़ नहीं करती, ये लगभग 5-6 साल से इसी तरह रखे हुए हैं और ये इसी में है। फिर उसके बाद में अगेन मेरे पास एक्स्ट्रा रिफिल्स रहेंगी पेंटोनिक BRT, क्योंकि ये पेंटोनिक BRT पेन मैं अपने स्कूल में भी यूज़ करती हूँ, मेरे पेंसिल पाउच में भी रहता है, तो वेन एवर जो इंक है वो ख़त्म हो जाए तो मेरे पास रिफिल्स रहें। तो ये रिफिल्स हैं मेरे पास, ये है ब्लैक, ये है ब्लू, ये है ब्लैक और ये वाली है रेड, तो 3 रिफिल्स हैं। उसके बाद में ये कुछ पिन्स और क्लिप्स का बॉक्स है जिसमें पेपर क्लिप्स भी हैं, बाइंडर क्लिप्स भी हैं, बोर्ड पिन्स भी हैं इस तरह की, और ये बोर्ड पिन्स भी हैं, पेपर क्लिप्स भी हैं और ये यू क्लिप्स भी हैं, छोटी बड़ी दोनों साइज़ की। तो इस तरह की रैंडम सी चीज़ें इस बॉक्स में हैं। उसके बाद में एक ये यहाँ पे है फेवी स्टिक बड़ी वाली, क्योंकि जब किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ज़्यादा चीज़ होती है और ये लगभग ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी बची है इसकी जो वो है दिखने लगी है, बट अभी भी इसमें स्टिक है, ये काफ़ी स्टिक इसमें अभी है। तो
ये फेविस्टिक, उसके बाद में इरेज़र, कई सारे हैं तो इरेज़र मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये एक रूलर है जो कि टूट गया है, क्योंकि जब आप चीज़ें बच्चों के साथ ही इस्तेमाल करते हैं तो कोई उसका ठिकाना नहीं रहता कि वो सेफ बचेगी कि नहीं। तो ये इस तरह का एक्सपेंडेबल इरेज़र था जो कि टूट चुका है। उसके बाद में एक ये शार्पनर कम इरेज़र है, ये है आई थिंक डोम्स या अप्सरा का, किसी का है, डोम्स का है ये। तो इसमें का अप्सरा का भी आता है और डोम्स का भी आता है, तो ये डोम्स का है। उसके बाद में ये एक फ्लावर, ये लीफ शेप में एक ये पेपर पंच कटर है, तो यहाँ पे पेपर लगा के ऐसे पंच करके काट सकते हैं। उसके बाद में कुछ एक ये टेप्स हैं जो कि चार्ट पेपर वगैरह के साइड में चिपकाने के काम आते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये चॉक होल्डर, तो चॉक डिस्पेंसर या चॉक होल्डर जो भी कह सकते हैं, डोम्स का है ये। तो ये रहता है, तो ये मुझे स्कूल में लगता है। और उसके बाद में मेरे पास है ये एक कैमलिन का परमानेंट मार्कर, जो कि अगर मुझे बॉक्सेस वगैरह कुछ अपने बनाने हैं तो उसमें परमानेंट मार्कर से प्लास्टिक पे लिख सकते हैं, उसके लिए सही रहता है ये। फिर उसके बाद में ये है ग्लास मार्कर, वाइट पेंसिल है ये, ग्लास पे लिखने के काम आती है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो स्कूल में ज़रूरत पड़ती है बट स्कूल में होती नहीं है। एक और रिफिल मिली, ये है ब्लू, तो इसमें ब्लू ब्लैक यहाँ पे लिखा रहता है और जिस पे टिक रहता है उसी कलर की रिफिल रहती है, पहले से पैकिंग में ही रहता है। ये एक हाइलाइटर है, उसके बाद में ये एक 4-in-1 पेन है जो कि सारी रिफिल इसकी बची रह जाती है, खाली जो ब्लू वाला हिस्सा है ये वाला, यही खाली हो जाता है। तो ये एक पेन है जो मैं बहुत रेयरली इस बॉक्स से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। ये बाकी 3 कलर्स बचे हैं, ब्लू नहीं बचा है, इसलिए इसमें रख दिया है रेयरली यूज़ के लिए। उसके बाद में मेरे पास हैं कई सारे लीड्स और कार्ट्रिजेस, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कलर पेंसिल की लीड्स हैं, 2.0 जो मैकेनिकल पेंसिल होती है उसमें लगती हैं ये, तो ये पेंसिल कलर का काम करती हैं। उसके बाद में ये पेपर कटर के ब्लेड्स हैं एक्स्ट्रा में, तो इनको सेफली, मुझे बच्चों को ये बॉक्स नहीं देना होता है इसको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के काम की नहीं हैं। फिर यहाँ पे फ्लेयर पेस्टला जो मेरा पेन है फाउंटेन, उसकी कार्ट्रिज है यहाँ पे एक्स्ट्रा में। फिर ये यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल की लीड है 0.9 में। उसके बाद में ये है 2.0 लीड जो कि लगभग ख़त्म पे आ गई है। नेक्स्ट जो है इसमें है ये फेविकॉल, तो ये यहाँ पे आ गया फेविकॉल जो कि 5 रुपये वाला है। तो बच्चों को अगर इस तरह की चीज़ें दे दो ना तो फिर वो वापस नहीं मिलनी होती है, तो छोटी छोटी रहती हैं तो सही रहता है, बच्चे एक लिमिट में यूज़ करते हैं। और बड़ा सा उन्हें दे दो ना तो फिर वो पूरा यूज़ करके आपको वापस करेंगे। एक ये पेन है जो कि मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने मुझे दिया है, क्योंकि इस तरह के यूज़ एंड थ्रो पेन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फिर ये भी एक गिफ्ट में मिला पेन है, इसका पूरा मतलब सेट था, 2 पेन का ये सेट था, तो एक बचा है ये पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये है रोटोमैक का इम्प्रेशन। उसके बाद में एक और परमानेंट मार्कर जो कि रेड में है, और ये डुअल टिप टिप है, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ये डुअल टिप है, एक तरफ फाइन टिप है और एक तरफ बुलेट टिप है। तो ये नेक्स्ट है, इसमें एक करेक्शन टेप जिसका कि ढक्कन गायब है, शायद इसमें पड़ा हो या बच्चे खोआ दिए हो, कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर है एक ये डिज़ाइन पेपर काटने के लिए सीजर, जिसका डिज़ाइन इसमें बना हुआ है, तो ये इसी डिज़ाइन का पेपर के को ट्रिम करेगी।
नेक्स्ट इसमें एक और ये टेप मिला और उसके बाद में मेरे पास इसमें एक और ये यहाँ पे लीड के बॉक्सेस मिले। ये है 0.5, ये है 0.7। नेक्स्ट जो है मेरे पास एक है ये टेप डिस्पेंसर, जो कि मिनी टेप डिस्पेंसर है, तो किसी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो सेलो टेप वगैरह तुरंत जल्दी जल्दी काट के आराम से यूज़ किया जा सके, उसके लिए ये ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये स्टेपलर की पिन, जो कि मैंने कवर स्लिप के बॉक्स में रखी हुई है, तो ये स्टेपलर की पिन है। उसके बाद में मेरे पास है ये किस कंपनी का है, एक मिनट, फाइबर कैस्टल का ये कंपास है, जिसके साथ में ये इसी तरह के कंटेनर मिला था, इसमें कंपास है और एक मैकेनिकल पेंसिल है छोटी और एक इसकी लीड है, तो ये काफ़ी हैंडी सा केस है। इसके बाद में इसमें है ये एक छोटा सा पेंसिल बॉक्स, जिसमें मैंने अपने प्लास्टिक क्रेयॉन्स जो बच्चे यूज़ करते हैं, कि टूटे टाटे बचते हैं, वो इसमें मैंने रखे हुए हैं, तो ये है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है इसमें ये क्रेयॉन्स, जो कि डोम्स के हैं, वैक्स क्रेयॉन्स। नेक्स्ट इसमें एक ये कंपास है, जो कि दिशा बताने वाला है, तो बच्चों को जब इस तरह का कोई चैप्टर पढ़ाना होता है तो उसके काम आता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये हाइलाइटर्स हैं मिनी वाले, तो ये 6 पैक का सेट है, 4 पैक का और सेट मेरे पास है पेस्टल और फ्लोरेसेंट कलर का, वो मैंने अपने दूसरे पेंसिल केस में रखा हुआ है, तो वो वाले पेंसिल केस का अगर वीडियो देखना होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये हो गया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक ये एक्स्ट्रा कैप जो है मेरे पास है पेंसिल की, ये है, और कुछ एक कार्ट्रिज मेरे पास और हैं, ये दो और इंक की कार्ट्रिज मिली, एक ये फ्लेयर इंकी की है एक्स लार्ज और ये फ्लेयर पेस्टेला की है जंबो। अब है मेरे पास कई सारे इरेजर्स, जो कि कुछ ख़त्म हो चुके हैं, उनकी हालत ये हो चुकी है, और कुछ जो हैं वो शेष बचे हैं, तो ये है फैबर कैस्टल का ही इरेज़र, जो कि इंक और पेंसिल बोथ इरेज़र है, बट उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। फिर उसके बाद में दो ये हैं डोम्स के, ये फ्लेयर का इरेज़र है और ये डोम्स का इरेज़र है, तो काफ़ी घिस चुके हैं, ये उतना नहीं घिसा होगा, ये इस तरह से ओपन होता है, एक मिनट, ये इस तरह से ओपन होता है और ये इसी तरह का ये है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो फिर अगेन डोम्स का एक इरेज़र है, जो कि इस तरह के बॉक्स में आता है, ये भी काफ़ी घिसा हुआ है, ये इस तरफ से बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो घिसा हुआ है। नेक्स्ट ये कुछ ऐसे इरेज़र हैं जो मैंने लिए हुए हैं, इनके पूरे पैकेट लिए थे, अब इतने ही बचे, तो इसका ही पूरा, ये नटराज का पेटल्स का है शायद, पूरा पैकेट था 5 इरेज़र का, 2 बचे हैं, ये है, देख रहे हैं बच्चे, पेंसिल वेंसिल सब इसमें इस तरह से बना देते हैं, तो ये देखिए, तो बच्चे जब पेंसिल बॉक्स यूज़ करते हैं तो कैसा कर देते हैं। और ये है अप्सरा का इरेज़र, ये इस तरह के 2 कलर्स में है, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें ये यू पिन्स है, पेपर पिन, और ये किसी पेंसिल का, मैकेनिकल पेंसिल का ही आगे की टिप है, जो कि इसमें पड़ी हुई है और कहीं मिली होगी बच्चों को, तो बच्चों ने दे दी है, तो मैंने इसी में डाल दिए, ताकि कभी कोई पेंसिल का टिप ना रहे तो ये काम आ जाए। और फिर एक लास्ट में ये बटन है, और ये पूरा डिब्बा बॉक्स जो है खाली है, और ये इसी का बटन है, ये जो स्केल है, रूलर है, रूलर में ही ये यहाँ लगता है,
बट अब ये फिक्स होगा नहीं, क्योंकि ये जो है इसी तरह जब भी स्केल खोलेंगे ना रूलर तो ये निकल जाएगा, ये स्टडी रह नहीं गया है, क्योंकि कई बार मैंने लगाया निकल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इस वाले पेंसिल बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।